सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का जो है 7 बजा हुआ है और मैं जो है नहाने के लिए आ गया हूँ। और एक हफ्ते से जो है ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ और बहुत काम रहता है, इधर जो है ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को पता है कि मैं तो प्लांट जाता हूँ काम में, और अभी जो है ट्रेनिंग ही चल रहा है, जो है 1 मई से जो है प्लांट जो है जाएंगे जो है काम में। और अभी जो ऑफिस साइड ही चल रहा है जो है ट्रेनिंग, और सेफ्टी सुरक्षा के बारे में जो है पढ़ा रहे हैं, और पूरा कि किस तरह से प्लांट में काम करते हैं, सेफ्टी वगैरह सुरक्षा वगैरह अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। हेलमेट है मेन, तो हेलमेट है अगर प्लांट में काम करते हैं, हेलमेट और शूज, सेफ्टी शूज। तो बिल्कुल भी आप लोग को दिखाऊंगा। चलो पहले नहा लेता हूँ, बाकी खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद फटाक से निकलेंगे अपने ड्यूटी के लिए कोरबा। और घर से लगभग 40 किलोमीटर है दूर जाता हूँ, आना जाना लगभग 80 किलोमीटर पड़ जाता है। अभी तो घर से ही अप डाउन करूँ, बाकी कुछ दिन बाद जो है रूम लेंगे जो है रेंट पे जो है, बाकी वहीं रहेंगे कोरबा पे ही। तो चलिए फिर आगे बने रहिए, पहले नहा लेता हूँ यार, उसके बाद जो है दिखाता हूँ आगे अपना लाइफ स्टाइल। चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट ऐसे करते रहो। तो चलिए नहाना धोना तो बिल्कुल भी हो गया, और खाना वगैरह खा लेते हैं, बाकी चावल बनाए और पताल का जो चटनी बनाए। तो चलिए पहले इसको खाते हैं फटाफट जो है, इसके बाद जो रेडी होंगे और फिर निकलेंगे जो कोरबा। तो देख सकते हैं खाना, और इधर देख सकते हैं ये टमाटर चटनी, और ये जो है आम का चटनी है, और ये चावल। तो चलो पहले खा लेते हैं यार। तो दोस्तों ये अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा जो हॉल कुछ ऐसा। अभी जो है लंच हो गया, तो सभी लोग जो है लंच करने चले गए, बाकी देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पर्दा वाला जो इसी में पढ़ाते हैं, बाकी वहाँ प्रोजेक्टर देखो, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है इसका लाइट, यहाँ प्रोजेक्टर है, यहाँ से जो है ट्रांसमिशन होकर जा रहा है, यहाँ पर्दे पे जो है डायरेक्ट दिख रहा है, और इधर जो है कंप्यूटर वगैरह पीसी वगैरह सब लगा हुआ है, बाकी देख सकते हैं यहाँ से। NTPC ट्रेनिंग सेंटर, भाई साहब पूरा ऐसा लगता है कि हम लोग पिक्चर देखना है। इधर जो है सीढ़ी मस्त जो है लगा हुआ है, बाकी इस साइड जो है पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे जो है बैठ के हम इधर बैठते हैं, बाकी इधर प्रोजेक्टर में पढ़ते हैं। तो देखो भाई साहब, आज जो है हमें फायर सेफ्टी के बारे में सिखा रहे हैं सर जो है, तो पूरा जो भीड़ लगा हुआ है, तो आप लोग को जो पूरा प्रोसेस जो है मैं दिखाता हूँ, प्लांट में काम करने के लिए जाने के लिए क्या क्या जो है सेफ्टी का सुरक्षा ध्यान देना पड़ता है। बाकी देखिए भाई साहब, पूरा क्राउड ही क्राउड देख सकते हैं, सब जो है NTPC में जो काम करने वाले हैं,
बाकी फायर सेफ्टी अभी जो है बता रहे हैं कि कहीं प्लांट में आग लग गया तो कैसे जो इसको हम लोग बुझा सकते हैं। अगर सामने से मार देगा वाटर। देखिए जितना भी आग फायर इंसिडेंट होते हैं उसमें कम से कम आप अगर मोटा मोटा रेशो निकालें तो 60-70% जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो पानी से ही हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इजीली अवेलेबल और पानी की महत्ता को तो आप समझ ही सकते हैं सर। यस सर, पानी का रोल देखिए जीवन को। अब आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इसको चलाने का क्या मेथड है और क्या सेफ्टी आप चलाते समय अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस पर। फर्स्ट हमारा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, अब आपके सामने देख रहे हैं कितने एक्सटिंग्विशर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाना है। एक्सटिंग्विशर हमें चलाना है तो जहाँ कहीं आग लगी हुई है आप ऐसा करें कि पहले तो उसके नज़दीक लेके जाए। मान लीजिए आग इस एक्सटिंग्विशर से करीब करीब 25 मीटर की दूरी पर लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ रखा हुआ है आप वहीं इसको ऑपरेट करना शुरू कर दें, समझ रहे हो। कहाँ जाके आप देखिए ये इतनी दूर खड़े होके आप चला सकते हैं इसको, समझे, ये डिस्चार्ज भेज देते हैं।